हे गाइस यार, सेंट्रल यूनिवर्सिटीयों का नाम आता है तो उसके अंदर एक नाम आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ओके यार, दिस इज अ रियली गुड इंस्टीट्यूट इन ऑल टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अगर अपन मार्क्स दे तो एटलीस्ट 10 में से 9 मार्क्स तो कम से कम मिलने ही चाहिए। हर तरफ से बेटर इंस्टीट्यूट है। अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर एक एटलीस्ट दूसरा जो कॉलेज है, दूसरा क्या, पहला ऐसा कॉलेज है ऑल टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर, इंडिया के अंदर, जो कि CUCET या फिर CUET के टेस्ट के अंदर बीटेक डिग्री प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ऐसी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करती है इन दिस इंडिया, जस्ट लाइक दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, जामिया, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जस्ट लाइक पंजाब एंड अदर। ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है। जो भी सारे हैं, जैसे DU है वो JEE के थ्रू लेता है, और जितने भी कॉलेजेस है वो सारे के सारे, जैसे कि चाहे एंट्रेंस के थ्रू लेते हो, अदर के थ्रू लेते हो, JEE के थ्रू लेते हो, लेकिन हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक ऐसा कॉलेज है जो कि आपको बीटेक की डिग्री दे देगा, वो भी आप अगर जो CUCET का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो उसके बेसिस पे। ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि सारे कोर्सेज CUCET के टेस्ट के बेसिस पे दे रहा है। जैसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी देता था, लेकिन उसने 2021 में बंद कर दिया बीटेक देना, वो कि दौसा के थ्रू या फिर CSAF के थ्रू देता था। आधी सीटें वो पूरी सीटें उसके थ्रू देने लग गया। बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का एक ऑप्शन बचा है जो कि CUCET के थ्रू बीटेक करना चाहते हैं। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी 2 डिग्री शायद बीटेक के थ्रू दे रहा था पिछले साल। अब अपन बात करते हैं यार, इसमें क्या सीन है, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, क्या कट ऑफ रहता है। सो यार, बीटेक का तो अब करना ही क्या, बीटेक में तो जो है ऑलमोस्ट बच्चे एक ही कॉलेज बचा है जस्ट लाइक डिग्री के लिए, तो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है इसमें, बहुत ही ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, सीटों की बहुत ज्यादा कमी होती है। 400 मार्क्स का आपका NTA का टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसके अंदर पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो 200 प्लस पे था, ठीक है, कुछ को जो भी SC वगैरह कैटेगरी वाले होते हैं बच्चे उनको 180 190 पे भी मिला था, ठीक है। लास्ट में एंड मोमेंट पे जो एक दो राउंड बचता है वहां पे वो उसको आप बिल्कुल भी कंसिडर ना किया करो, क्योंकि कुछ बच्चे ना छोड़ के चले जाते हैं, इस कारण से वो थोड़ा सा डिले होता है। लेकिन जनरली अगर अपन इस बार की अगर अपन बात करें, जो पहला राउंड जो जाने वाला है, जिस प्रकार से बच्चों की क्वारी जा रही है, जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, जिस बच्चों को एडमिशन लेने का जुनून जो है, 300 प्लस मार्क्स स्पेशली, चाहे वो PG कोर्स हो चाहे वो UG कोर्स हो, 300 प्लस मार्क्स कट ऑफ रहने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का इन दिस 2022 सेशन। ओके यार, ये कुछ ही गिने चुने कॉलेजेज हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि IITs है, NITs है, IIIT है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अब अपन इसके कुछ एडवांटेज की बात करते हैं यार। ये दिल्ली के नजदीक है, मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न इलाका है इसका, ठीक है। हरियाणा के अंदर ये जो है महेंद्रगढ़ के अंदर सिचुएटेड है। ओके, बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग है, मतलब जिस साल से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मान लो 2009 2010 से स्टार्ट हुआ है, उस साल से मतलब ये ग्रो ही कर रहा है। ऐसा कोई भी मोमेंट, ऐसा कोई भी साल आया नहीं है जहां पे इसकी प्लेसमेंट गिर गई हो या फिर इसकी फैकल्टी गिर गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है इनकी फैकल्टी का। ओके, और मतलब बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है, आप क्या ही, मतलब आप उनको जो है अभी कॉल कर सकते हो, ठीक है, बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब है, इनके VC साहब तो क्या ही करना, ठीक है, गजब के लोग है, क्या प्रिंसिपल है। सो यार, दिस इज रियली नाइस इन दिस ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर अपन इसको कंसिडर करें जस्ट लाइक, तो 10 नंबर तो दिल्ली वगैरह वो ले लेंगे, लेकिन हाँ, अपन 9 साढ़े 9 नंबर तो इसको देंगे ही देंगे। इसका एडमिशन क्या का प्रोसेस रहने वाला है 2022 सेशन के अंदर, इसकी भी अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं यार। अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मैं एक वेबसाइट पे ले चलता हूं जो कि है जस्ट लाइक CUCET की वेबसाइट है। ओके, सो जो है आप इसके ऊपर विजिट करते रहे, CUCET.NTA.NIC.IN। यार इसके ऊपर जो है हाल ही के अंदर जो इसको जो अपडेट किया गया है वो 15 मार्च को अपडेट किया गया है। अब इसका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द से जल्द जो है घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, कि कैसे इसका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, क्या CUET टेस्ट होगा, क्या CUCET टेस्ट होगा, क्या सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए अलग अलग टेस्ट होगा, इसके लिए
लिए कोई ऑफिशियल अभी अपडेट है नहीं, लेकिन हाँ मार्च के लास्ट वीक तक जो है इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। आपका जो एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो मई के अंदर होने वाला है, सेकेंड वीक के अंदर आपको जो इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। और हाँ इसके जो क्लासेस हैं इस साल जो है एटलीस्ट अगस्त तक अपन एक्सेप्टेड कर रहे हैं कि अगस्त तक जो है इसके क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो यार आप खूब प्रिपेयर करते रहिए, अगर आपको कोई प्रिपरेशन में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चों को अगर पता नहीं है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है क्या नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो आप जो है हमारी दो मेंबरशिप प्लान चल रही है, एक नॉर्मल मेंबरशिप है एक प्राइम मेंबरशिप है, ठीक है। तो आप जो है प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट्स आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो है हम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे, एंड तक जब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपका एडमिशन अगर बाय चांस अगर नहीं भी होता है तो हम आपका किसी दूसरे कॉलेजों उच्च अच्छे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपका एडमिशन कराएंगे ही कराएंगे, प्लस साथ में आपका जो है रिफंड भी प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना, आपका हम रिफंड भी प्रोवाइड करेंगे जो भी आप हमें फीस दे रहे हो। और हाँ आपको जो है अच्छे टॉप 15 लाख प्लस LPA प्लेसमेंट वाले कॉलेज के अंदर आपको जो है चाहे आपकी कंप्यूटर साइंस चाहिए हो चाहे आपको जो इलेक्ट्रिकल चाहिए हो उसमें आपका एडमिशन भी कराएंगे, प्लस आपका जो है फीस भी रिफंड करेंगे हम। ओके सो आप जो है हमारी प्राइम मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हो और हमारा नॉर्मल प्लान या फिर गोल्डन प्लान भी अवेलेबल है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जैसे ही यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आता है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हमारे पास टॉप मेंटरशिप जो अवेलेबल है फ्रॉम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, ओके जामिया मिलिया इस्लामिया, IIT बॉम्बे, IIST एंड IIT खड़गपुर, ओके एंड अदर अदर मेनी मेनी कॉलेजेस, IIT पटना एंड आईसर्स, आईसर मोहाली, आईसर पुणे, आईसर कोलकाता, ओके IACS, KUPY होल्डर्स इन IIC बेंगलोर, ओके वेलोर इंस्टीट्यूट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको कौन से कॉलेज पर वीडियो चाहिए और या फिर किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए, किसका प्लेसमेंट चाहिए, किसकी क्या रियलिटी है, किसमें कितना प्लेसमेंट होता है, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना कि किस कॉलेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके ऊपर जो है जरूर वीडियो बनाऊंगा, हमारी टीम उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेगी। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम किसी भी कॉलेज का जो है जस्ट लाइक ऐसा नहीं करते कि इसने हमें 5 रुपए दिए हैं 10 रुपए दिए तो हम बच्चों को इसके बारे में कुछ भी बता दें, ठीक है। अगर कॉलेज के बारे में गलत है तो हम भी गलत भी बोल देते हैं, हालांकि हमारे ऊपर कॉलेज वाले एक्शन भी लेते हैं कि इस वीडियो को रिमूव कर दो, हम तुम्हारे चैनल पे मतलब तुम्हारे ऊपर कुछ भी करवा देंगे, हमारी पूंछ कहाँ तक है, हमारे VC साहब बहुत खतरनाक है, तुमको तो एकदम गायब ही करवा देंगे, तुम्हारी IIT की सीट कैंसिल करा देंगे, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे, कुछ भी तुम्हें फंसा देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी हम ये ट्राई करते हैं कि 100% जो है रियल जो है कॉलेजों के बारे में उनकी रियलिटी को बताएं, उनके पास कौन कौन सी फैकल्टी है, क्या उनके पास दुबे जी टीचर है या फिर उनके पास चौबे जी टीचर है, कौन से टीचर दुबे जी से चौबे जी बनने निकल चुके हैं, तो इसके बारे में हम खुलकर बोल देते हैं बहुत सारे कॉलेजों के बारे में, ठीक है। इससे हमें डर नहीं लगता और वैसे भी हम क्रांतिकारी लोग हैं, ठीक है गाइस। ओके थैंक यू सो मच। छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। धन्यवाद।